नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो आपको दिए हुए क्रेडिट कार्ड से बैंक कैसे बेनिफिट कमाता है, कैसे बैंक को फायदा होता है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो है SBI बैंक, HDFC बैंक, कोटक, RBL, एक्सिस, ICICI, दोस्तों आप अदर बैंक का कार्ड अप्लाई करते हो और दोस्तों बैंक आपको कार्ड देता है। दोस्तों, किसी बैंक का कार्ड फ्री होता है और किसी बैंक में कार्ड का एनुअल चार्ज लगता है। दोस्तों, यहाँ पे बात मैं करता हूँ बैंक जो आपको कार्ड दिया है कैसे उससे बेनिफिट कमाता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्डलेस EMI होता है। इससे क्या है कि जो आपका उसमें अमाउंट रहता है, एक प्रकार से वो लोन होता है। बैंक आपको वो पैसा देता है कि आप मेरा पैसा यूज करो, मुझे पे करो, यूज करो। ये बैंक की पॉलिसी और रूल होती है। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि बैंक आपको कार्ड दे दिया। अब दोस्तों, आप एक कार्ड की लिमिट, दोस्तों अगर मान लो 1,00,000 रुपए है और दोस्तों आपने इस मंथ में 10,000 रुपया जो है खर्च किया, और दोस्तों आपने फिर अगले मंथ जब आपका बिल जनरेट हुआ, दोस्तों आपने उस पैसे को 45 से 50 दिन के अंदर पैड कर दिया। दोस्तों, आपने 10,000 रुपया खर्च किया और 10,000 पैड कर दिया। अब तो यहाँ पे आप लोग के मन में यह सवाल आता है कि भाई बैंक को तो फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बैंक तो बैंक का मैंने 10,000 रुपया खर्च किया और 10,000 पैड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो आप 10,000 रुपया पेटीएम या आप कैश निकालते हो, या दोस्तों आप जो है किसी वेबसाइट से उस पैसे को ऐड मनी करके पैसा अगर बैंक में दोस्तों लेते हो, दोस्तों इस हाल में बैंक को फायदा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे बैंक को फायदा होगा बहुत कम। बट दोस्तों, अगर मान लो आपने 20,000 रुपए का फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई अगर सामान परचेस किया और दोस्तों आपने उस पैसे को पूरा कैश में पेमेंट कर दिया नेक्स्ट मंथ, तो अगर मान लो आपने शॉपिंग किया, तो बैंक का जो होता है टाई अप अलग अलग कंपनियों से होता है और अलग अलग बैंकों से, अलग अलग लोगों से होता है दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों बैंक को कुछ बेनिफिट मिलते हैं उनके पार्टनरशिप और टाइप होने के कारण। दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप कैश निकालते हो, दोस्तों मान लो अगर आप एड मनी करते हो, तो उस हाल में बैंक को बहुत कम बेनिफिट होता है। अगर दोस्तों आप शॉपिंग करते हो, तो बैंक को फायदा थोड़ा ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये सोचते हो कि बैंक के पास ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है बैंक हमें देता है, आखिरकार बैंक का ये जो पैसा होता है बैंक को देता कौन है? तो देखिए, जो पर्सन बैंक में FD करवाते हैं, अपना सेविंग मनी करते हैं दोस्तों, तो बैंक वही पैसा आपको क्रेडिट कार्ड में रूप में देता है दोस्तों। और दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बैंक से टाई अप करके दोस्तों बैंक को बोलती है कि आप मेरे अमाउंट को क्रेडिट कार्ड के रूप में आप कस्टमर को दो, इसमें हम भी थोड़ा बेनिफिट कमाएंगे और मेरा भी प्रमोशन होगा और आप भी कमाओगे। दोस्तों, इसमें क्या है कि बैंक का रोल रहता है हम लोग की, बैंक ने उस पैसे को लेकर अपने अंडर में करके और आपको कार्ड दे दिया। आप दोस्तों पेमेंट करते रहे, उससे दोस्तों आपका जो GST लगता है, जो और प्रोसेसिंग फीस लगता है, इससे दोस्तों आप जो है आसानी से बैंक भी कमा रहा है दोस्तों और आपकी लाभ, आपका भी लाभ हो रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पे बात यहीं तक नहीं है। दोस्तों मान लो अगर आपने 20,000 रुपए का ट्रांसफर कर लिया, अब दोस्तों अगर जैसे ही आप 20,000 ट्रांसफर करोगे, दोस्तों आपके पास मैसेज आएगा, अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो बैंक आपको सबसे पहले बोलेगा कि हेलो सर, आपका जो अमाउंट है ये EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, क्या मैं कर दूं 6 मंथ 3 मंथ 9 मंथ 12 मंथ 34 मंथ? अलग अलग जो है मंथ आपको बताया था दोस्तों कि इसमें आप बहुत कम चार्ज लगेगा, आप करवा लीजिए। बहुत आपको फोर्स करते क्यों दोस्तों? दोस्तों, अगर आप उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो उसमें क्या है कि बैंक को बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि बैंक उसमें GST प्रोसेसिंग फीस लगाएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगाएगा दोस्तों, और उसी अमाउंट पे दोस्तों बैंक आपसे पैसा कमाएगा। अगर दोस्तों आप उस पैसे को EMI में कन्वर्ट न करके एक साथ अगर पैड करते हो दोस्तों, तो बैंक को बहुत कम बेनिफिट होगा और उस हाल में बैंक का फायदा कम, आपका लाभ ज्यादा होगा। तो आपको कार्ड मिल गया, आपने अपना काम निकाल लिया, 50 दिन पैड किया, कोई आपका चार्ज स्टार लगा नहीं। बट दोस्तों, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पे सवाल एक और है। अगर दोस्तों मान लो आप अपने आप कार्ड अगर मिल गया और दोस्तों आप कार्ड की लिमिट 70,000 या 1,00,000 या 80,000 या 1,50,000 लिमिट उसमें है, तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपने कार्ड को
बहुत कम यूज करता हूं, इससे मेरा सिविल स्कोर जनरेट होगा। तो देखो यहाँ पे कार्ड की पॉलिसी पहले समझिए आप। अगर आपने कार्ड से मात्र 5 से 10% 15% 20% यूज करते हो और दोस्तों आपके कार्ड में पूरी लिमिट पड़ी रहती है, आप 10-15% यूज करने के बाद पूरा पैसा एक साथ पेड करते हो, ना उसे EMI में कन्वर्ट करते हो, ना शॉपिंग करते हो, एड मनी करते हो, कैश निकालते हो और पे कर देते हो, दोस्तों अगर आप एक गलती बार बार करते हो तो दोस्तों बैंक जो है आपके कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों देखिए क्यों, बैंक ने कहीं ये लिखा नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे तो क्या है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है, अगर दोस्तों आप बैंक का पैसा यूज नहीं करोगे तो बैंक को फायदा कैसे होगा। बैंक ये बातें समझ जाएगा कि मुझे कोई तो बेनिफिट है नहीं, मैं किसी दूसरे पर्सन को दूं मुझे बेनिफिट। बैंक के पास जो लोग FD करवाते हैं, जो लोग सेविंग मनी करते हैं दोस्तों, उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बैंक का जो पैसा होता है दोस्तों ये पैसा जनता का पैसा होता है, ये पैसा हमें लोग का पैसा होता है। तो दोस्तों यही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट, बैंक का जो पैसा होता है, जो लोन होता है, कभी दोस्तों आप बेईमानी मत करना, क्योंकि दोस्तों ये जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा कभी भी गलती से बेईमानी करना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैंक दोस्तों कभी भी आपको आपको चांस देगा कि आप उसके लिमिट को खर्च करो और टाइम पर बिल पेमेंट करो और EMI भी करो और शॉपिंग भी करो। अगर दोस्तों आप ये सब काम करते हो दोस्तों, तो जो आपका कार्ड सो कभी भी परमानेंटली ब्लॉक नहीं होगा और बैंक आपके कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज करेगा। अगर दोस्तों आप कार्ड की लिमिट खर्च ही नहीं करोगे तो बैंक समझ जाएगा इसके बाद लिमिट बड़ा बचा है, ये खर्च भी नहीं कर रहा है तो मैं लिमिट क्यों इंक्रीज करूं। तो ये है कार्ड की सबसे बड़ी पॉलिसी जो शायद आप कोई नहीं बताएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपने कार्ड की लिमिट को दोस्तों कम से ना कम दोस्तों 70 से 75% दोस्तों यूज करो दोस्तों, और उसका जो अमाउंट है टाइमली बिल पेमेंट करो। दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड पे दोस्तों ज्यादा EMI कन्वर्ट मत करो, एक या दो ट्रांजेक्शन EMI में कन्वर्ट करो, और दोस्तों आप हर बार एड मनी ही पेटीएम या अदर साइट पे करके कैश मत निकालो। सो आप कभी काल शॉपिंग भी कर लिया करो, इससे दोस्तों थोड़ा बैंक को भी बेनिफिट होगा और आपको सो फायदा होगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप हर बार एड मनी ही करो और एक साथ EMI पेड कर दो, EMI में कन्वर्ट भी मत करो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा मत करो, इस साल दोस्तों आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों ऐसा हुआ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बाकी तो जो लोग को ट्रस्ट नहीं है, जो लोग को इस वीडियो पे यकीन नहीं है दोस्तों, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता, बट दोस्तों मैं जो बताया हूं सत्य बातें बताया हूं, और इसको आप अगर फॉलो करोगे तो लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस एक बातें और याद रखना, आप दोस्तों अगर कार्ड बनवा लेते हो तो कार्ड का पैसा दोस्तों टाइम पर पे करो, और दोस्तों कभी भी आप दोस्तों गलती मत करो। दोस्तों एक बातें और मैं आपको बता दूं, दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बड़ा मित्र है दोस्तों, आपका सगा संबंधी आपको धोखा दे सकता है, बट दोस्तों क्रेडिट कार्ड संग अगर आप अच्छा व्यवहार किए हो, टाइम पर बिल पेमेंट किए हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा बना है तो एक क्रेडिट कार्ड आपका हर जगह काम देगा। मेडिकल से लेके दोस्तों आपका नमक तेल आटे तक के लिए एक कार्ड आपका काम दे सकता है। तो ये बातें मैं आपको सत्य बता रहा हूं। अगर दोस्तों आप गलती करते हो तो यही क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा श्राप बन जाएगा, कि इसमें आपका इंटरेस्ट 3.5 से 4% लगता है और आप बहुत बड़े कर्ज के भागीदारी बन जाओगे। तो मेरे इन सब बातों को ध्यान देके कार्ड बनवाइए, कार्ड यूज करो। क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल अच्छे से जनरेट होता है, लोन से तो आपका उतना नहीं जितना आपका क्रेडिट कार्ड से होता है। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया नॉलेज देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है आपको कौन सा वीडियो चाहिए मुझे बताना, मैं आपको जरूर बना कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।